कैसे हो आप सब। वेलकम टू मदर डॉटर ब्लॉगर। सो गाइज, मैं आज ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मेरा ड्रॉवर। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रॉवर कैसे हुआ है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉवर की हालत कितनी गंदी हो चुकी है, और इस साइड के ड्रॉवर की भी वैसी ही है। एक मिनट, कुछ तो मैसेज आया। ओह माय गॉड, दिवाली का होमवर्क भेज दिया। अभी मेरी 9 डेट को स्कूल रीओपन होने वाली है, मतलब मंडे को। अभी ये नेक्स्ट मंडे आएगा उसको। मैं बहुत सैड हूँ, और मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, और मेरा डेस्क ऑर्गेनाइजर सब वैसा ही रह जाएगा। यार शिट, चैन की दिवाली की छुट्टी भी नहीं हमको जीने देते। भी क्या होगा, मैं जल्दी से होमवर्क कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। मैं बहुत सैड हूँ गाइस। आपने देखा होगा मेरी रिएक्शन कैसी थी। तो मेरा अभी हाफ होमवर्क हो चुका है, वो परसों की क्लिप है। और मैं अभी जल्दी से मेरा ड्रॉवर ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसा मेरा ड्रॉवर ऑर्गेनाइज करती हूँ। कैसे हो आप सब। बहुत दिनों के बाद आप मेरी आवाज़ सुन रहे होगे। लावण्य ही दिख रही थी आपको लॉगिंग में, वही एंड करती थी, वही स्टार्ट करती थी, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू चालू है, आपको पता है। मैंने बोला है आपको बहुत बार लॉगिंग में, तो मैं बोल रही हूँ आज लावण्य ने सब ड्रावर का सामान निकाला है उसका, बहुत सारा। मैं हर साल मैं ही सब क्लीन करती हूँ, पर इस साल मुझसे नहीं हुआ, तो मैं उसको बोली कि सब कर क्लीन करके अच्छे से सामान ये कर दे, ऑर्गेनाइज तो अच्छा लगेगा, है ना। उसको भी जब चाहिए वो अच्छे से सामान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब सामान अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैंने ये ड्रॉवर का सब सामान अच्छे से साफ कर लिया है, और अभी आपको ये स्टोरेज बॉक्स चाहिए ऐसे, तो मैं अभी दिखाती हूँ मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। गाइज, मेरे पास और एक स्टोरेज बॉक्स है, और वो भी है और ये भी है। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। और ये हमने पहले से ही परचेस किया हुआ है, उसकी प्राइस तब 79 थी, अभी इसकी प्राइस 149 हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ऐसे, तो मैं ये यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर चलो मैं अभी जल्दी से इस पे ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। गाइस, मैं पहले सेक्शन में स्केल रख लूँगी, और दूसरे इसमें पेन पेंसिल और ये सब रख लूँगी, और थर्ड इसमें वाइटनर्स मार्कर्स और वो सब रख लूँगी। तो फिर चलो जल्दी से वो रख लेते हैं। सब ऑर्गेनाइज कर लिया है, और अभी मैं फोर्थ सेक्शन में, ऐसे डायरीज हो आपके पास, डायरीज आप ऐसे शॉर्ट डायरीज वो सब रख सकते हो। तो हमारा ये रेडी है। और ड्रॉवर में ये ज़रा बड़ा बड़ा सामान लाइक माउस, ये पेंस, फिर ये सेलो टेप, वो मैं सब इधर ड्रॉवर में रख लूँगी। आप अभी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ड्रॉवर, और यहाँ पे भी। और ये सब पेंस ख़त्म हो चुके हैं, मैं वो अभी फेंक दूँगी।
तो फिर जब ये सेकेंड ड्रॉवर मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ तो मैं वैसे ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, उसमें ज़्यादा पेंस वगैरह कुछ नहीं है, फिर चलो जल्दी से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो गाइज मैं ये सब सामान क्लीन कर लेती हूँ। ये ऑर्गेनाइज कर लिया, ये वूल जो है ना मैं इस ड्रॉवर में एडजस्ट करूंगी क्योंकि यहाँ पे जगह है वहाँ पे नहीं, तो फिर मैं इधर जल्दी से ये भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। गाइस मैंने ये उस ड्रॉवर का सामान इस ड्रॉवर में शिफ्ट कर दिया है, देख सकते हो ड्रॉवर और मेरे डेस्क का ऑर्गेनाइज कैसे था, बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप देख सकते हो, ये रहा कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा भाई आया था तो वो रूबिक्स क्यूब मतलब सॉल्व करते हैं, उसको पसंद है। खैर तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, मम्मी ने मुझे कुछ तो काम बताया तो फिर चलो। है मेरा काम, मैं मूंगफली को अभी उसका छिलका साफ कर लूँगी, तो फिर चलो फास्ट फास्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली का छिलका उतार लिया है। तो आज मेरे मम्मी का व्रत है इसलिए मम्मी ने बनाए साबुदाने। Later that same evening. गुड इवनिंग, और यहाँ पे बन रही है चाय, और आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का बाजार रहता है तो मम्मी जा रही है। फ्राइडे के बाजार से आ गई है और मम्मी ने ये सब कुछ लाया है, वेजिटेबल्स और वहाँ पे फ्रूट, और यहाँ पे मेरी मम्मी कोरिएंडर छील रही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है खिचड़ी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोथिंबीर वड़ी, और यहाँ पे ले लिया है मैंने कोथिंबीर, और ये ले लिया है चने दाल का आटा और चावल का आटा, उसे क्रिस्पी बनता है, तो चलो बनाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया है जीरा, अजवाइन, हाँ यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर स्वाद अनुसार, और इधर डाला है टर्मरिक पाउडर, यहाँ पे लहसुन और ग्रीन चिली मैंने अच्छे से पीस लिया है वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे अच्छी तरीके से धो के। और यहाँ पे बड़ा एक स्पून मम्मी ऑयल डालेगी। और यहाँ पे हमको कोथिंबीर वड़ी को स्टीम कर लेना है, हमने इसको स्टीम कर लिया है और हमको शैलो फ्राई कर लेना है। अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया, थोड़ा ऑयल डाल के, एक स्पून ऑयल डाल के शैलो। और यहाँ पे हमारी खिचड़ी बनके रेडी है, और ये रहा हमारा आज का डिनर, कोथिंबीर वड़ी एंड खिचड़ी। मैं वीडियो यहाँ पे ही एंड करती हूँ, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया था, आपको हेल्पफुल था कि नहीं। तो फिर चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं घूमने, तो फिर रेडी हो ना आप वो व्लॉग्स के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।